प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में बरसती रहे। सकारात्मक सोच के साथ गुरु कार्य करते हुए जीवन को धन्य बनाएं, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, बहुत सारे हमारे भाई जो नवरात्र में हैं, आज की युवा पीढ़ी 9 दिन की साधना के लिए बैठती है, लोग आश्चर्य करता है। फेसबुक पर पोस्ट किया गया, व्हाट्सएप पर आप लोग शेयर करते हैं, लोग पूछते हैं कि रियल में ये सब भाई लोग अनुष्ठान काल में हैं, ये 9 दिन के नवरात्र साधना में हैं। ये आश्चर्य वाली बात है लोगों के लिए, मतलब इस उम्र का युवा क्या कर सकता है, नवरात्र नहीं कर सकता है। दुर्गा का मुख पट खुलेगा सप्तमी को, सप्तमी के दिन रास्ते पर दुर्गा देखने के नाम पर लड़की की छेड़खानी कर सकता है, ये हमारी छवि है। और उसमें लोगों को आश्चर्य होता है कि नवरात्र कर रहा है, हजार लड़के एक साथ, हजार लड़के बैठ के साधना करते हैं, सब लोग आश्चर्य भरिए। हाँ, परिवर्तन का महान क्षण यही तो है, गुरुदेव ने किताब लिखा है, आप पढ़िएगा, परिवर्तन का महान क्षण यही है। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया उल्टी दिशा में चलेगी, वहाँ एक वो विभीषण भाग के आएगा और राम के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। बहुत सारे रावण भरे पड़े हैं लॉज में, हॉस्टलों में, रोड पर, उनका हेयर स्टाइल देखिए, वो कहता है हमको कोई पराजित नहीं कर सकता है, हमारे पास असीम क्षमता है, हम बाइक रखे हैं R15 रॉयल इनफील्ड, हम लहरिया कट चलाते हैं, हमारा गैंग है, ग्रुप है, हम कहीं लड़ाई कर लेंगे। दूसरा तरफ बेचारा विभीषण अकेला लॉज में अपना गायत्री मंत्र जप रहा है, साधारण से रूप में युवा मंडल से जुड़ के आके चाहता है कि हमारा जो भी है वो पूरा हो जाए। रावण वहां 28 मार रहा है, नहीं होने देंगे, देखते हैं अकेले युवा मंडल क्या कर लेता है, देखते हैं गायत्री परिवार क्या कर लेगा, संख्या हमारी अधिक है। आप सब लोग जानते हैं कि रावण के कितने नाती पोता थे, सबको पता है, सब रामायण देखा होगा। यही नवरात्र काल था जो विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी विजय प्राप्त किए और दीपावली के दिन लौट के अपने घर आए थे। सब अलग अलग तरीके से बैठा है, कोई रावण मोबाइल लेके बैठा है, उसमें चिप डाले हुए है, आ जाओ हमारे ग्रुप में, आओ देखो एक बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखाएंगे। कोई बैठा है, आओ बाइक पर बैठो, चलो लड़कियों के झुंड में ले चलते हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट्स करना, स्पीड में हम बाइक भगा लेंगे। अब एक तरफ असुरी शक्ति है और दूसरे तरफ ईश्वरीय शक्ति है, तालमेल बैठाना इंसान को है। उस समय तो क्लियर हो गया था कि ये राक्षस हैं और ये देवता लोग हैं, लेकिन इस समय क्या है कि क्लियर नहीं हो रहा है, आप ही के बीच में से कौन राक्षस है, कौन देवता की श्रेणी में है, पता नहीं चल रहा है। आप ही के साथ रह रहा है, आप ही के लॉज में रह रहा है, आप ही को भैया भैया कर रहा है, और कल के डेट में पता चल रहा है कि भैया दूसरे निकले, कुछ और हुआ। अब वैसे समय में आप पता कैसे करोगे कौन हमारा अपना साथी है और कौन है उस साइड का, उसी के लिए आप तप करते हो, ध्यान करते हो, आप गायत्री की साधना करते हो। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, ज्ञान का मंत्र है। आपका बहुत सारा मित्र मंत्र पर तर्क करता है, ये गायत्री मंत्र देता क्या है, लड़के केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब नौकरी होगा। हम लोग कहाँ कहते हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ेगा तब नौकरी होगा, हम लोग कभी कहे हैं कि गायत्री मंत्र पढ़िए पूरा फिजिक्स आ जाएगा आपको, कभी कहे हैं गायत्री मंत्र पढ़िए आपका रीजनिंग मैथ मजबूत हो जाएगा, नहीं। सबकी अलग अलग क्वालिटी है, सब पूरी दुनिया जानती है कि बीज डालेंगे तब फसल उगेगा, लेकिन बीज डालने से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो तो किसान को करना ही होगा, नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा फसल लहलाएगा, कभी नहीं लहलाएगा, डाल के देख लीजिए। गायत्री मंत्र वो बीज डालने की पहले की प्रक्रिया है। जैसे किसान लोग खेतों में बीज डालने से पहले क्या करते हैं, खूब बढ़िया से खेत की जुताई करते हैं, मिट्टी को छोटा करते हैं, बड़ा बड़ा रहता है उसको, उसके बाद उसमें खाद डालते हैं, समय समय पर सिंचाई देते हैं। ये मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से जो जुताई होती है ये गायत्री मंत्र से होती है।
आपकी मिट्टी तो है, मस्तिष्क तो है, लेकिन इसमें अगर सद्बुद्धि नहीं गया, दुर्बुद्धि चला गया, तो फिर आपका रास्ता ट्रैकलेस हो जाएगा, ट्रैक चेंज हो जाएगा। गायत्री मंत्र आपकी बुद्धि की जुताई करती है, इसको उर्वरा बनाती है। फिर आप खाद, यूरिया, पानी डालते हो, किसका? स्वाध्याय का डालते हो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन का डालते हो, समय निकाल के बाल संस्कार शाला में सेवा देते हो, गरीब बच्चों को पढ़ाते हो। ये भाव पैदा होता है कि अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद कहीं ना कहीं से होगी। और कैसे होगी मदद? आपने देखा होगा रामायण काल में आपने देखा होगा कि भीषण बेचारे चले जाते हैं, किसके ग्रुप में जाते हैं? राम के ग्रुप में। रावण लात मारता है और लात मारने के बाद भीषण पहुंच जाते हैं। जब अंतिम लड़ाई चलती है, आप देखे होंगे कि जैसे ही विभीषण सामने आता है, रावण अचानक गुस्से में आके कहता है, तुम्हारे चलते पूरा मेरा लंका तबाह हुआ है, आज तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। कई बार होता है कि कोई लड़का अगर गायत्री परिवार से जाता है, लॉज में पूरा ग्रुप है, उस पर कॉमेंट्स करता है, अरे ये देखो आ गया पीला टी शर्ट पहन के, देखो ये सुबह जाता है, पता नहीं 2 घंटा कहाँ जाता है, जाता होगा गर्लफ्रेंड मिल के आता होगा। उसके मन में तरह तरह के भाव होते हैं, तरह तरह का शंका होता है, कहाँ जा रहा है। वो जानता है कि आप आते हो, 2 घंटे का सामूहिक रूप से जप करते हो, लेकिन आप पर कमेंट्स करता है। बाद में आप क्या देखते हैं? देखते हैं कि जैसे ही रावण विभीषण को देख के और बाण चलाता है, वह बाण अगर विभीषण को लगता तो वहीं पे उनकी अंतिम लीला हो जाती, लेकिन अचानक प्रभु श्री राम आते हैं और आके सीधे खड़े हो जाते हैं सामने, और वो बाण प्रभु श्री राम को लगता है और विभीषण को कुछ नहीं होता है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अपनी राहों पर तेजी से आगे बढ़ते हैं और हमारी छोटी सी गलती के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, लेकिन नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना करने के वजह से वो बड़ी घटना छोटी घटना में बदल जाती है और हम अपने परिवार में सुरक्षित लौट जाते हैं। ये परमात्मा अपने लोगों को बचाते हैं, ऐसे आपकी रक्षा की जाती है। आपको थोड़ी सी कष्ट होती है और आपका प्रारब्ध कट जाता है। मेरे मित्र, साधना का अर्थ होता है कि विकट परिस्थितियों में आई, विकट परिस्थितियां जब आपकी जिंदगी में आई हो, उस समय धैर्य रखते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हो तो आपका साधना सफल है। अब इसमें लोग दिमाग लगाते हैं, हमारे बहुत सारे भाई, साधना करने से मेरा फिजिक्स अच्छा हो जाएगा क्या? साधना करने से मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी क्या? बिल्कुल होगी। साधना करने से मनोभूमि मजबूत होगा, जिसके कारण आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई करोगे और जब पढ़ोगे तो आपका फिजिक्स अच्छा होगा, आपका मैथ अच्छा होगा, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। मेरे मित्र, ये साधना आपकी मनोभूमि को मजबूत बनाता है, आपके इंटरनल पावर को स्ट्रांग बनाता है। एक बार APJ अब्दुल कलाम जी गए छात्रों के बीच में, IIT कॉलेज में बहुत सारे छात्र बैठे थे, बहुत सारे छात्रों के बीच में वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं इसमें से बहुत सारे छात्र सफलता प्राप्त करने के बाद विदेशों में जाएंगे, उनकी ख्वाहिश है कि हम विदेशों में जाएं। ये भी पता है कि बहुत सारे छात्र शोधरत रहेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे, और ये भी पता है कि बहुत सारे छात्र इंजीनियरिंग के साथ पैकेज पर नजर रखे हैं कि बड़ा पैकेज मिलेगा, बड़ा पैकेज देश में मिले या विदेश में, उसमें जाएंगे। और मुझे ये भी पता है कि इसमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जो इंजीनियर तो बनेंगे, लेकिन पुल पुलिया बनाने से पहले उस इंजीनियर के अंदर एक इंसान होगा जो भारत माँ की इंसानियत के काम में आएगा, वो इंसान भारत माँ के काम में आएगा, उसकी इंसानियत भारत के काम में आएगी। वैसे विद्यार्थियों को हम सैल्यूट करते हैं। ये वक्तव्य किसका था? APJ अब्दुल कलाम का था। हमें से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं विदेश चले जाते, देश चले जाते हैं, आप जा सकते हो, लेकिन इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उसके पहले अगर एक इंसान बनते हैं तो हम देश में रहें या विदेश में रहें, अपने देश का नाम रोशन जरूर करेंगे। आज इंजीनियरों को पैदा तो कर रही है कॉलेज, स्कूल है, डॉक्टर तो बन रहे हैं, लेकिन क्या इंसानियत नहीं है तो वो डॉक्टर हमारे समाज के काम आ रहे हैं?
आप आए दिन पेपर उठा के पढ़ते हैं, आप देखिएगा आपको आश्चर्य होगा। डॉक्टर के पास गया, किडनी निकाल लिया गया, डॉक्टर के पास गया, दो दिन अस्पताल में लहा, 10 लाख रुपया का बिल बना लिया गया। क्या आप कहते थे ये शिक्षा हमारे समाज को प्रकाश देगी? ऐसी कौन सी शिक्षा प्रकाशित कर रही है? डॉक्टर तो बन रहे हैं लेकिन इंसानियत नहीं है, तो वही डॉक्टर मानव नहीं दानव बन जा रहा है, इंसान नहीं हैवान बन जा रहा है। कल के डेट में आप अधिकारी बनोगे, जिला पदाधिकारी बनोगे, आपके अंदर अगर इमोशंस नहीं है, इंसानियत नहीं है, फिर क्या करोगे? वृद्धा पेंशन वाले से पैसा मांगोगे? कोई गरीब रोते हुए आपके दरवाजे पर जाएगा, नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, बाहर सिखाओगे, थोड़ा सा देख लेना, एक कागज आया है इसका देख लेना, मतलब कुछ ले लेना इससे। गुरुदेव हमारे कहते थे बेटे एक बार जब मनुष्य के अंदर इंसानियत आ जाती है तो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति वहीं बनता चला जाता है। आप इतिहास साक्षी है, इतिहास उठाकर देखिए। अभी भाई अभिषेक जी बता रहे थे सबरी के पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने सबसे अच्छे रूप में सबरी को अपने हृदय में बिठाया और जूठा बैर खाते हुए मस्त होके उनके पास गए। विदुर के पास कुछ नहीं था और भगवान ने जाके विदुर के घर में साग रोटी खाया। आज हम लोगों के पास सब कुछ है, भगवान कौन कहे कि इंसान आके नहीं कहता है भाई मुझे थोड़ा खिला दो? क्या कारण है आज इंसानियत पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है? क्या ये खिलाएगा तो सही खाना होगा कि नहीं, या ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा खिला दे कि 3 दिन सोए रह जाए? आप ट्रेन में जाते हो, घर से लोग क्या सिखाता है? देखो रास्ते में बिस्किट इस्किट कोई खिलाए नहीं खाना, कहां चली गई हमारी परंपरा? इस परंपरा को लाने के लिए गायत्री मंत्र का लोग जप करता है। लोगों को लगता है गायत्री मंत्र सब्जेक्ट को मजबूत बनाती है, व्यक्ति को धनवान बनाती है, नहीं, गायत्री मंत्र आपके विचारों को पवित्र बनाती है, आपको अंदर से भावनाशील बनाती है, जिसके कारण स्वयं अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करके आप सफलता प्राप्त करते हो, धनवान बनते हो, गुणवान बनते हो, चरित्रवान बनते हो, व्यवहार कुशल बनते हो, और दुनिया इसको दूसरी निगाह से देखती है। इसी के लिए वर्तमान में ये जो 9 दिन की साधना आप कर रहे हैं आपको अंदर से परिष्कृत करेगा, आपकी सफाई करेगा, आपकी दुर्बुद्धि को दूर करेगा। वरना इस उम्र में आप भी वैसे ही लॉज में जो बच्चे बैठे हैं वो लोग भी अपने ही बीच के हैं, आप भी सोचते कब दुर्गा का पट खुलता, रात में घूमने के लिए मिलता। घूमना मतलब सब जानते हैं, सब तो एक ही बिरादरी के बैठे हैं। कैसा घूमना होता है? लड़कियां आएंगी, लड़के आएंगे, थोड़ा धक्का मुक्की होगा, यही दुर्गा का दर्शन है। यही दर्शन के लिए सब तड़प रहा है, लॉज में बैठा है, पापा घर से आ जाओ दुर्गा, पापा अभी क्लास चल रहा है अभी नहीं आ सकते, टारगेट बैच चल रहा है। ये कौन सा टारगेट बैच आपका चल रहा है? 7वां दिन का टारगेट बैच चल रहा है। 7वां दिन पट खुलेगा, हमारी टारगेट है महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ छेड़खानी करेंगे। तो दुर्गा को क्या कहते हैं आप पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती, तो कहते हैं आप तो महिषासुर मर्दनी हो, हे दुर्गा जी आप महिषासुर का वध कर दो। महिषासुर कौन था? जो लड़कियों को छेड़ता था। उस समय दुर्गा जी को छेड़ दिया, उसको पता ही नहीं था कि ये पावरफुल है, उसको लगा कि सामान्य नारी है। और वही चीज तो आप भी करते हो, आप महिषासुर मर्दनी है, जो जो लड़की को छेड़े उसको समाप्त कर दीजिए, वो भी समाप्त कर देती है। उस समय बाण से मार के और महिषासुर को खत्म कर दिया गया, वर्तमान में कैरियर मार के ऐसे ऐसे महिषासुर लोगों को खत्म कर दिया जाता है। छाती पीटता है बाप, 8 साल हमारा बेटा पटना में रहा, कुछ नहीं किया, अरे वो महिषासुर था, आप समझ नहीं पाए थे, वो छेड़खानी करता था पटना में आके। अच्छा दुर्गा जी की मूर्ति दिन में रहती है कि नहीं रहती है बोलिए? तो आप लोग दिन में दर्शन के लिए क्यों नहीं जाते हैं? दिन में तो वो कहीं घूमने फिरने चली नहीं जाती है कि दुर्गा जी दिन में चली जाती है गांधी मैदान घूमने? वो तो वही है, माँ के रूप में विराजमान है, लेकिन भक्त लोगों को दिन में भरोसा नहीं होता कि माँ वहां होगी, इनको रात में पता चलता है कि नहीं माँ होगी। क्यों? इसका कारण हम सब आप जानते हैं, सब लोग जानता है मेरे मित्र, गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है, प्रज्ञा बुद्धि लाता है, प्यूरिफाइड सेंस, ये आपकी मस्तिष्क को पवित्र बनाता है, आपके जीवन में इमोशंस लाता है, भाव पैदा करता है, आपके अंदर की बुराई को दूर करता है, आपके अंदर एक करुणा वाला भाव पैदा करता है। आपके बहुत सारे मित्र जो बहुत उदंड होंगे उनको बुलाओ, उनसे
50 प्रश्न पूछो, वो कुतर्क करेगा। उसको कहो कि तुमको 3 महीना 90 दिन गायत्री जपना है, 90 दिन उसको गायत्री जपवाइए। ये शर्त रखी है कि चलो तुम तर्क कर लिया, आप 90 दिन गायत्री जपो। 90 दिन जपने के बाद 91वां दिन उससे 50 प्रश्न पूछिए, उसमें से 20 प्रश्न का आंसर बदल गया रहेगा। इसी का नाम गायत्री मंत्र है, जो वैचारिक परिवर्तन करता है, वो अपने आप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उतर्क जो कुतर्क कर रहा था उतर्क पर आएगा। फिर आप कहिए कि गायत्री मंत्र से तो तुम ऐसे ऐसे ये कहा था, नहीं वो समय तो हम किए नहीं थे इसलिए कहे थे। आप कहिए कि गायत्री मंत्र से तो तुम कह रहा था ये सब बेकार है, टाइम पास करना है। अब 90 दिन बाद पूछे, कहेगा कि नहीं, ये टाइम के सदुपयोग करने वाला मंत्र है और रियल में है मेरे मित्र। जो लोग ईमानदारी पूर्वक 90 दिन साधना करते हैं उनके जीवन में इस साधना का समावेश होता है। और सबसे पहला गायत्री मंत्र ये काम करता है कि आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट पैदा करता है कि आप जिंदगी जियोगे तो कैसे जियोगे। ये सेल्फ मैनेजमेंट है। आज तो हम पेंडुलम की तरह हिल रहे हैं, लक्ष्य विहीन बने हुए हैं, कहां जाएंगे कहां पहुंचेंगे नहीं पता है। तैयारी के नाम पर बवाल मचा हुआ है पटना में, कोई बैंक के नाम पर, कोई रेलवे, कोई SSC, कोई UPSC, कोई क्या। तैयारी के नाम पर आने वाले विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? तैयारी के नाम पर आने वाले विद्यार्थी अपने समय का पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं क्या? तैयारी के नाम पर आने वाले छात्र और छात्राएं अपने माँ बाप के दिए गए पैसों का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बस हल्ला मचाए हुए हैं। तैयारी और कुछ नहीं है, कॉमेंट्स करने में आप लोग, हम लोग तेज हैं। फलाने व्यक्ति ऐसे है, फलाने व्यक्ति, हम पूरी दुनिया का नॉलेज रखते हैं। नरेंद्र मोदी की ये डिमेरिट्स है, नीतीश जी की ये डिमेरिट्स है, लालू जी की ये डिमेरिट्स है, विराट कोहली की ये डिमेरिट्स है, सलमान खान की ये डिमेरिट्स है। हम पूरी दुनिया की डिमेरिट्स पर नजर रखे हुए हैं, हमारे पास खाली मेरिट ही मेरिट है, हमारे पास कोई डिमेरिट नहीं है। पिता का पैसा सब जवानी में लेता है, हम भी ले रहे हैं। तर्क देता है, कौन बड़का एहसान बाबूजी की है, उनको बाबूजी तो देबे किए होंगे, वाह ये हमारी मेरिट्स है। ऐसे समय में गायत्री मंत्र जपने वाला युवा, महिला, पुरुष, व्यक्ति, वृद्ध, कोई भी, जिस उम्र में भी गायत्री का समावेश आपके जीवन में हो गया, सोचना कि आप सौभाग्यशाली हो। अब आपके घर में परिवर्तन का महान क्षण समावेश कर गया है और 100% परिवर्तन होकर रहेगा, इसलिए आप साधना कर रहे हो। वरना इस उम्र में पिता की बात कोई नहीं मानता है, आप 24,000 मंत्र का अनुष्ठान लिए हुए हो। इस उम्र में गोलगप्पा देख के लोगों के लार टपकने लगते हैं, चाट फोचका पर नजर जाता है कि 9 दिन के नवरात्र में चलो टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे। वैसे क्षण में हमारे भाई लोग फल पर रह रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, नींबू पानी पी के रह रहे हैं। ऐसी स्थिति आखिर आई कहां से? ये गुरुदेव की शक्ति है और यही परिवर्तन का महान क्षण है। अब दो तरह के लोग होते हैं, सुबह अगर मुर्गा भांग लगाता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो सुबह हो गई, जल्दी से उठ के अपने कार्यों में लग जाते हैं। दूसरा सोचता है अरे यार रोज मुर्गा बांग लगाता है, आज पहला दिन थोड़े है, ये तो रोज लगाता है, वो पड़ा रहता है। तो जो व्यक्ति आलस में अपने समय को गंवा लेता है उसकी जिंदगी नष्ट होती चली जाती है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आलस से सबसे समीपवर्ती और निकटवर्ती हमारा शत्रु है, सबसे निकटवर्ती। आपका शत्रु अगर कोई दुश्मन है वो जितना हानि नहीं पहुंचा सकता है उससे कई गुना ज्यादा ये आलस पहुंचाता है। तो गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन से आलस और प्रमाद समाप्त होता है। जो भाई हमारे 8 बजे तक सोते थे, देखिए 5 बजे जग के साइकिल से आके 6 बजे यहां आकर बैठ जाते हैं। ये परिवर्तन का महान क्षण है। समझने वाला समझेगा, नहीं समझने वाला वही मुर्गा बांग लगा दिया, चद्दर तान के सोया है। मुर्गा तो रोज बोलता है, रोज नहीं बोलता है, मुर्गा का एक समय है जिस टाइम और पीरियड में वो आवाज लगा दिया। आप समझदार हो तो जग जाओ, जगोगे तो एक दिन का आप समय का सदुपयोग कर पाओगे। वैसे ही परिवर्तन के महान क्षण की ये टाइम चल रहा है जिसमें हजारों भाई हमारे बैठ के अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वरना आप भी उन्हीं भाइयों की तरह लॉज में रहते, सप्तमी के दिन दुर्गा दर्शन के बजाय लड़कियों के साथ छेड़खानी करते, रास्ते पर कमेंट्स करते और एक मन में रहता कि आज हम दुर्गा पूजा में घूमे हैं, दुर्गा जी को प्रणाम किए हैं। ऐसी दुर्गा को प्रणाम करने से बेहतर है कि आप घर में बैठ के साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा कर लो, कई गुना ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। आप रोड पर चलते हुए छेड़खानी का नाम दुर्गा का दर्शन देते हो, आप रोड पर चलते हुए कुकर्मों में लिप्त होते हो और दुर्गा का दर्शन का नाम देते हो।
ऐसे ही लोगों के लिए वो महिषासुर मर्दनी है। उस समय त्रिशूल लेके आई, उस समय खप्पर और कटार लेके आई, आज प्यूरिफाइड सेंस लेके आई है। जो दुर्गा का उपासक होगा उसके अंदर इतनी शक्ति देगी कि मेहनत करके आप जीवन में सफल बनेंगे। जो महिषासुर की तरह छिड़कानी करेगा, उस समय कैरियर नहीं था तो तीर धनुष चला, इस समय कैरियर है, धीरे से कैरियर को काट देती है। आप बेरोजगारी का दंश झेलते हो, लोग कहता है देखो असुर था इसका अंत हो गया। मेरे मित्र, इसको बेहतर बनाने और परिवर्तन के महान क्षण की एक दर्शन कराने के लिए गुरुदेव ने इस युवा प्रकोष्ठ का निर्माण किया। और आज लोग आश्चर्य करते हैं कि रियल में 16 साल 18 साल 22 साल का युवा और नवरात्र साधना 9 दिन अनुष्ठान कर रहा है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अच्छे विचारों का बीज गया है और इस विकट परिस्थिति में हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये चमत्कार नहीं, गायत्री की साधना का परिणाम है और ये मिलता रहेगा आपको। अगर इस राह पर आप आगे बढ़ते हो तो ये मिलता चला जाएगा। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय मनीष भैया।